कारण मूल सुप्रीमो ममता बनर्जी आगामी 5 मई को तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। आज पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्थ चटर्जी ने इस बात की जानकारी दी। पार्थ चटर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण के बाद प्रोटेम स्पीकर के तौर पर बिनाम बंदोपाध्याय नव निर्वाचित विधायकों को पद की शपथ दिलाएंगे। चटर्जी के मुताबिक ममता बनर्जी ने कहा कि पार्टी आज शाम को शपथ ग्रहण और कैबिनेट गठन के मसले पर फैसला लेगी। रविवार को हुई मतगणना में तृणमूल कांग्रेस ने 200 से ज्यादा सीटें जीतकर राज्य की सत्ता में वापसी की है। वहीं चुनाव पूर्व 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी को महज 76 सीटों से संतोष करना पड़ा। आज हुई टीएमसी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से ममता बनर्जी को नेता चुन लिया गया। ममता बनर्जी 5 मई को शपथ लेंगी, लेकिन कैबिनेट के अन्य सदस्यों की शपथ 6 मई को हो सकती है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के चुनावी लड़ाई में टीएमसी सुप्रीमो ने भले ही बीजेपी को धूल चटा दी है, लेकिन नदीग्राम की सीट पर ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हरा दिया। अधिकारी को कुल 1,107,064 वोट मिले, जबकि ममता बनर्जी को 1,08,808 वोट मिला। अधिकारी ने लिखा, प्यार, विश्वास, आशीर्वाद और समर्थन प्रदान करने और मुझे अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए नदीग्राम की जनता का आभार। मैं उनकी सेवा करने और उनके कल्याण के लिए काम करते रहने वाला वादा करता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ।